ने भी छोड़ा साथ। सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठनों का मोदी सरकार को जवाब, कहा 29 दिसंबर को 11 बजे बुलाई जाए बैठक। असम में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा विकास का ग्रोथ इंजन बना पूर्वोत्तर, पूर्व की कांग्रेस सरकार पर लगाया विकास ना करने का आरोप। और अमेजन के साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बैठक, एमएनएस ने राज ठाकरे से माफी मांगने समेत रखी 3 मांगे, अमेजन ने ऐप पर मराठी भाषा का ऑप्शन देने का माना प्रस्ताव। नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को असम के गुवाहाटी में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि असम में विकास को गति मिल रही है, असम देश की संस्कृति का गहना है, पूर्वी भारत के बिना भारत का विकास अधूरा है। उन्होंने कहा कि वो वक्त भी था जब पूरे पूर्वोत्तर भारत में सिर्फ आतंकवाद था। पीएम मोदी पिछले 6 सालों में 30 बार पूर्वोत्तर भारत में आए, लेकिन ऐसा भी वक्त था जब कोई प्रधानमंत्री कभी कभार यहां आते थे। उन्होंने कहा कि असम में एक समय आंदोलन का दौर आया, अलग अलग बातों को लेकर आंदोलन हुए, सैकड़ों युवा मारे गए। मैं असम की जनता को कहने आया हूं, सालों तक जिन्होंने यहां अशांति बनाए रखी, असम की सबसे बड़ी समस्या 2 ही है, घुसपैठ और बाढ़। बाढ़ पर मैं बाद में बात करता हूं, मगर बताइए ये कांग्रेस और बाकी सारे इन्ना गुन्ना दल है, वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? जरा बताइए, जोर से बोलो, रोक सकते हैं क्या? रोक सकते हैं? घुसपैठ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रोक सकती है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ही घुसपैठ। दिल्ली की सीमाओं पर 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान के किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसान भोले भाले हैं, लेकिन कांग्रेस भी सो रही है। जागो, पदयात्रा में शामिल हो जाओ और इन कानूनों के खिलाफ आवाज उठाओ। कानून है और ये मोदी जो है इस देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है और इसीलिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसान उसका विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसान भोले भाले बेचारे सीधे किया और कांग्रेस भी सो रहा है। जागो, उठो, पदयात्रा में शामिल हो और इस किसान विरोधी कानून के खिलाफ। वहीं उत्तर प्रदेश के ललितपुर पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार किया। प्रदेश में गायों की दुर्दशा को लेकर कांग्रेस पार्टी के आज से ललितपुर में पैदल यात्रा शुरू हो रही थी, लेकिन ललितपुर में इस यात्रा के शुरू होने से पहले कांग्रेसी नेताओं को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। साथ ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बलवंत सिंह और कार्यकर्ताओं को घर में नजरबंद कर बाहर पुलिस का पहरा लगाया गया। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष लल्लू सिंह के नेतृत्व में गाय बचाओ किसान बचाओ यात्रा के माध्यम से पैदल घूमकर गायों की दुर्दशा को सरकार के सामने उजागर करना था। बुंदेलखंड में गाय माता भी मर रही है, किसान भी मर रहा है, सरकार लगातार उपेक्षा कर रही है। न गाय को भोजन देने के लिए इनके पास धन है, न उसकी व्यवस्था करने का इनके पास धन है, और न ही किसान जो कर्जे में डूबा है, जिसका फसल बर्बाद हो गया है, उन्हें किसी आर्थिक सहायता या मुआवजा देने का पैसा इस सरकार के पास है। ये सरकार गौ हत्यारी है। सैकड़ों से अधिक गायें अब तक मर चुकी हैं। पूरे प्रदेश में गौ हत्या का पाप
लगातार इस सरकार पर चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आज यात्रा करना चाहती है, यात्रा कर रही है, पूरी तरह हमारे पदाधिकारियों को, नेताओं को नजरबंद कर दिया। मुझे मोटरसाइकिल से यातना सहते हुए गली गुचाके से आना पड़ा, मेरे घर पर फोर्स लगाई हुई है। आखिर इस सरकार में लोकतंत्र। सिख समुदाय के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों और माता गुजरी जी की शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए पहली बार 27 दिसंबर को 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर साहिबजादा दिवस का आयोजन किया जाएगा। साहिबजादा दिवस पर मुख्यमंत्री आवास पर गुरबाणी कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11:30 बजे होगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश के कई मंत्री उपस्थित रहेंगे। इसके पहले गुरु नानक देव के 550वें प्रकाशोत्सव पर मुख्यमंत्री आवास पर गुरबाणी कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव पर पहली बार मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुए लंगर और कीर्तन में सिख समुदाय के 200 से 250 लोगों ने लंगर और प्रसाद ग्रहण किया था। रामनगरी अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने फैजाबाद के रुनाही के धन्नीपुर गांव में बनने वाली नई मस्जिद के डिजाइन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विदेशों की तर्ज पर इस मस्जिद के डिजाइन दी गई। इकबाल ने कहा, हम भारत के लोग हैं और हम भारतीय शैली पर मस्जिद को स्वीकार करेंगे। इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या ही नहीं बल्कि देश का कोई भी मुसलमान मस्जिद के इस डिजाइन को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इसकी डिजाइन विदेशी शैली में की गई। उनका कहना है कि 70 सालों से मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ी गई, लेकिन आज अयोध्या के किसी भी पक्षकार से कोई सलाह नहीं ली गई। देखिए, सवाल जो है अयोध्या का है, बाबरी जो है मस्जिद का है, और मस्जिद के लिए जो है 5 एकड़ जमीन मिली है, और वो नक्शा जो है विदेशी है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का जो है कानून के सम्मान करते हैं। जो हिंदुस्तान में मस्जिदें बनी हुई हैं उसी नक्शे से मस्जिद होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले बहुत से लोग विरोध करते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो है तमाम मस्जिदें हैं उसका नक्शा होना चाहिए। ये लोग विदेशी तर्ज आजकल दिखा रहे हैं, तरह तरह के जो है डिजाइन ला रहे हैं। मस्जिद जो है वो डिजाइन बनाने के लिए नहीं है, मस्जिद बिल्कुल साधारण होना चाहिए, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए जहाँ भी मस्जिदें हैं आप उसको देखिए और उसी तरीके से बनाइए। हमें विदेशी नक्शे की मस्जिद की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमें चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों का विवाद खत्म हुआ है तो मस्जिद भी बने। वो नुमाइश के लिए नहीं बनाई जाती, नमाज पढ़ने के लिए बनाई जानी है। लोग जो है इसमें जो है ट्रस्ट बनाए हुए हैं, जितने भी ट्रस्टी हैं वो नक्शा ला रहे हैं विदेश से। हम तो कहते हैं हम रहते हिंदुस्तान का है, कानून मानते हैं हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान में जैसे मस्जिदें हैं। वहीं पूर्वी लद्दाख में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। पिछले कई महीनों से दोनों देशों की सेनाओं के बीच LAC पर गतिरोध जारी है, और इस बीच शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के संवेदनशील त्वांग सेक्टर में ITBP ने कहा कि LAC पर जवान हाई अलर्ट पर हैं और चीन इस सेक्टर में भारत को चकमा नहीं दे सकता। LAC के पास त्वांग में ITBP ने जबरदस्त तैयारियां की है, तो साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है। ITBP की 55वीं बटालियन के कमांडर IB झा ने बताया कि अब ऐसे पूर्वी लद्दाख में हुई खूनी झड़प जैसे हादसे होते हैं तो हमें हाई अलर्ट पर रहना पड़ता है ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। फिलहाल यहाँ काफी ठंड है जिससे चीजें और मुश्किल हो रही है, लेकिन हमारे जवान हर वक्त सीमा पर नजर बनाए हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया गया है जिसमें हम हैं, हमारी साथ इंडियन आर्मी और हम सब साथ में हैं यहाँ पे, और इस तरह की कोई भी इंसिडेंट होने पे, और बगल में ही यहाँ पे बुमला में हमारी BPM हट है, और जहाँ पे इस तरह के अगर इश्यूज होते हैं तो मिल बैठ के यहाँ पे बातचीत किया जाता है, और जो मैकेनिज्म है वो इतना रोबस्ट मैकेनिज्म है कि हम जो इस तरह की चीज़ें हैं उसको अभी तक तो आपस में मिलकर हम लोग उसको सुलझाते रहते हैं। हम कह सकते हैं कि लद्दाख की घटनाओं के बाद हमारा जो तैयारी का लेवल है, हमारी जो अलर्टनेस के लेवल है काफ़ी ऊँचे हैं। अलर्टनेस की तैयारी तो हमारी लगातार एक जो हाईएस्ट लेवल की होती है वो तो लगातार रहती ही रहती है हमारी,
लेकिन इस तरह के जब इंसिडेंट होते हैं तो निश्चित रूप से आपको और ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, ताकि कोई भी ऐसी जिसकी आपने सोचा नहीं हो और उस तरह की चीज़ें हो जाएं, तो उस सिचुएशन के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ता है। हमें तो हमने उसी तरह से तैयारी कर रखी है कि इस तरह की कोई भी अनफोर्सिन इंसिडेंट ना हो जाए या इस तरह की चीज़ें ना हो जिसमें हम सरप्राइज हो जाएं। तो अलर्टनेस लेवल पहले भी हाई थी, अभी भी हमने बहुत ही हाई लेवल पे ही रखा हुआ है, जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्दियाँ काफ़ी हैं और जो ड्यूटियाँ करना जो है उसके लिए थोड़ी सी और ज़्यादा साहस और बहादुरी और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे जवान आपने देखा होगा चाक चौबंद और बहुत ही अलर्ट है और इस तरह कोई इंसिडेंट नहीं। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने अचूक मारक क्षमता वाली कार्बाइन के फाइनल ट्रायल को पूरा कर लिया है। डीआरडीओ के अनुसार यह अब सेना के उपयोग के लिए हर तरह से तैयार है। आपको बता दें, इस कार्बाइन को डीआरडीओ की पुणे लैब और कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने मिलकर बनाया है। डीआरडीओ ने कहा कि इस कार्बाइन के निर्माण से सीआरपीएफ और बीएसएफ की तरफ राज्य की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शस्त्रागार का आधुनिकीकरण करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें, यह कार्बाइन 700 राउंड प्रति मिनट की दर से फायर कर सकती है। इस हथियार का प्राथमिक उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाए बिना टारगेट पर हमला करना है। इस कार्बाइन के लिए गोलियां पुणे की एम्युनिशन फैक्ट्री में तैयार होंगी। आपको बता दें, कार्बाइन एक ऐसा हथियार है जिसमें राइफल की तुलना में छोटा बैरल होता है। इस भारतीय सेना के जवानों की आवश्यकता के अनुसार डिजाइन किया गया है, जिससे वे दुश्मनों को पटखनी दे सके। पाकिस्तान अक्सर जम्मू कश्मीर और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों से भारत में आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश करता था, लेकिन इन सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सुरक्षा बलों की कड़ी पहरेदारी के चलते पाकिस्तान की यह कोशिश हमेशा नाकाम होती रही। इसीलिए 2020 में पाकिस्तान ने भारत में घुसपैठ करने के नए पैंतरे और नए रास्ते तलाशे हैं। इस साल पाकिस्तान ने भारत में अशांति फैलाने के लिए अपने आतंकवादियों को गुजरात और राजस्थान की सीमाओं से घुसपैठ कराने की कोशिश की है। सीमा सुरक्षा बल की ओर से जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। बीएसएफ की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2020 में गुजरात और राजस्थान सीमा से आतंकवादियों की घुसपैठ के मामले में बढ़ोतरी हुई। और खास बात यह है कि बीएसएफ के कश्मीर फ्रंटियर ने पिछले साल की तुलना में सिर्फ एक घुसपैठ दर्ज की, यहां नवंबर के पहले सप्ताह तक 4 घुसपैठ हुई। रक्तचाप संबंधी समस्याओं के कारण अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाए गए अभिनेता रजनीकांत की सेहत में सुधार आ रहा है। अस्पताल की ओर से शनिवार को यह जानकारी दी गई। एक विज्ञप्ति में अस्पताल की ओर से कहा गया कि उनका रक्तचाप हालांकि अब भी बढ़ा हुआ है, लेकिन शुक्रवार के मुकाबले अधिक नियंत्रण में है। इसमें बताया गया कि 70 वर्षीय रजनीकांत की जांच की गई, जिसमें कुछ भी चिंताजनक नहीं मिला। शनिवार को उनकी कुछ और जांचें होनी है, जिनकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। अस्पताल की ओर से बताया गया कि रजनीकांत को शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उनकी सेहत में सुधार आ रहा है। उनका रक्तचाप अब भी अधिक बना है, हालांकि शुक्रवार के मुकाबले अधिक नियंत्रण में है। कोरोना वायरस पहले भी कई बार म्यूटेट यानी कि रूप बदल चुका है और एक अनुमान के तौर पर एक महीने में दो बार वायरस म्यूटेट होता है, यह कहना है एम्स के निदेशक और कोविड प्रबंधन पर बनी राष्ट्रीय टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि नए स्ट्रेन के लिए अनावश्यक चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि म्यूटेशन से लक्षण और इलाज की रणनीति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक जो वैक्सीन अभी इमरजेंसी अप्रूवल के लिए इस्तेमाल की जा रही है वो यूके के नए स्ट्रेन पर प्रभावशाली होगी। डॉक्टर गुलेरिया ने आगे जोड़ा कि अगले 6 से 8 हफ्ते कोरोना वायरस से लड़ने के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि अब देश में कोरोना के मामले और मरने वालों की संख्या में कमी आ रही है। उनका कहना है कि नया स्ट्रेन भले ही पहले वाले से ज्यादा खतरनाक हो, लेकिन इसके लिए अस्पताल में ज्यादा संख्या में भर्तियों की जरूरत नहीं है और ना ही इस स्ट्रेन से ज्यादा मरीजों की मौत होगी। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर, हम हैं बस के रोमाल साहब, तुसी रेडी होके फिर शुरू हो गए, थोड़ी भी ना एनर्जी नहीं खत्म होंदी। सासीकाल फुफड़ जी। ओए सासीकाल, ओए 8 बजे तक है के 11 बजे जाते हो तुसी? ये फुफड़ जी आंखी नहीं खोलदी, थक्या थक्या जा शरीर रहंदा है, थोड़े चे इस उम्रे भी पूरी फुर्ती है। ओए मेरी फुर्ती दा राज है वैद्यवान दा एक्स प्लस मर्दाना कोर्स, ते पिछले 30 वर्षां तों यही है मेरी सेहत दा राज, इम्यूनिटी बढ़ाउण दे नाल नाल मर्दाना ताकत लई ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। ਕੀ ਆਪ ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਬਣਤੀ, ਭੂਖ ਕਮ ਲਗਤੀ ਹੈ, ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਬੜਤਾ? ਦਰਅਸਲ ਮੇਨ ਬਾਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਨ ਬਾਤ ਹੈ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਲਗਣਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਲਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਸਿਹਤ ਬਣੇਗੀ ਕੈਸੇ? ਇਸ ਲਈ ਹਮਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਨੇ एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545-45 पर फोन